नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। किराए से कैमरा लेकर बेच देने वाला गिरोह पकड़ाया, 8 आरोपियों सहित 2,81,000 रुपए लागत के साथ कैमरे और 2 मोबाइल जब्त। छिंदवाड़ा परासिया कैमरा किराए पर लेकर फिर उसे बेच देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी परासिया निवासी आकाश सहित 8 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से 7 कैमरे 2 मोबाइल जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 2,81,000 रुपए आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420 और 406 के तहत कार्रवाई हुई है। परासिया DSP अनिल शुक्ला ने बताया कि कुंवर पिता नरेश बंदेवान ने शिकायत कर बताया कि आरोपी आकाश कहार ने मुझसे 500 रुपये प्रतिदिन की दर पर कैमरा किराए पर लिया, किंतु 10 दिन बीतने पर भी उसे कैमरा नहीं लौटाया और टाल मटोल करता रहा। धोखाधड़ी के इस मामले में पड़तालित होकर आवेदक ने पुलिस में शिकायत की, जांच में स्थिति उजागर हुई कि आवेदक और अन्य लोग के कैमरे और मोबाइल भेज दिए। जाना बेटा में कुणाल बंदेवान ने शिकायत किया कि आकाश कहार निवासी परासिया 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कैमरा ले गया, जो वापस नहीं किया। उसने पता किया तो उसे अन्य साथी दौरान 6 लोगों से भी कैमरे आकाश कहार ले जाकर उन्हें वापस नहीं किया था। इस सूचना पर चांदाबेटा में धारा 420 406 का प्रकरण पंजीबद्ध कर आकाश कहार से पूछताछ की गई, जिसने 7 कैमरे अपने परिचितों से लेकर दूसरे लोगों को बिक्री करना बताया। इसे पुलिस द्वारा 7 कैमरे जो सभी कैनन व निकान कंपनी के हैं और 2 मोबाइल कुल कीमती 2,81,000 का सामान बरामद कराया। और जो व्यक्ति आरोपी मोहित अग्रवाल, विशाल ठाकुर, निखिल, बिट्टू नाथ, सागर, शेख मोहसिन, प्रवीण कुमार ने सस्ते दर पर सामान खरीदा था, उनको भी धारा 411 के तहत आरोपी बनाया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी चांदाबेटा BS गौरव एवं टीम के द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।